Hey guys, this is Abhishek back with another video. Guys, आज के वीडियो में हम चेकअप करने वाले हैं Redmi 9. सो गाइस, एज यू कैन सी, आपने जो अनबॉक्सिंग देखी उसमें थोड़ा सा मैं शॉक हुआ कि भाई इसके अंदर विंडोज बोल रहा हूँ, इसमें जो अपना एंड्रॉयड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, मतलब लाइक सेटअप किया हुआ था ऑलरेडी, जो कि काफ़ी वियर्ड है क्योंकि मैंने आपके सामने नया फ़ोन अनबॉक्स किया है एंड उसमें समथिंग मतलब आचार्य कुछ तो प्रशांत नाम से कुछ तो है, तो वो एप्लीकेशन मतलब कोई तो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था एंड उसने वैसे ही ऐप क्लोज किया था। तो जैसे फ़ोन खुला है वैसे मेरे को आप दिख रहा था कि कुछ तो सर्च था आचार्य प्रशांत समथिंग एंड मैं थोड़ा सा मतलब मुझे वियर्ड लगा। बाकी यार फ़ोन मेरे को कंडीशन में सही लगा, नया ये फ़ोन मतलब यूज़ नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा है। शायद से जब फैक्ट्री में फ़ोन टेस्ट वगैरह हो रहा था, शायद से जब आई डोंट नो पैक करते वक्त शायद से कुछ गड़बड़ हुआ होगा, बट जितना मैंने फ़ोन यूज़ किया मेरे को फ़ोन मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक तो। एंड बाय द वे, इसके अंदर जो चिपसेट है वो है मीडियाटेक हेलियो G25, जो कि एक ऑक्टोकर प्रोसेसर है, 2 GHz पे क्लॉक है, बट एक एवरेज सा प्रोसेसर है, मतलब गेमिंग तो एक्सपेक्ट मत करना इससे यार, मतलब अगर आप BGMI खेल भी लोगे तो मतलब लो एंड हाई सेटिंग्स पे खेल पाओगे, मतलब 30 FPS की गेमिंग हो पाएगी। एंड यार बेसिक फ़ोन है बिल्कुल। कैमरा में अगर आपको बताऊँ, कैमरा से मैं मतलब सरप्राइज हुआ थोड़ा सा, क्योंकि जिस प्राइस में आता है उस हिसाब से मेरे को कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो सेंसर दिया गया है वो 13 MP का है एंड ये फ्लैश लाइट है जो कैमरा जैसे दिख रही है, बट कैमरा सैंपल मैं बोलूँगा आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं फॉर द प्राइस आई वुड से। एंड मैंने सेल्फी भी कुछ क्लिक की है, लाइट अगर आप इंडोर कंडीशन में शूट करोगे तो थोड़ा सा मतलब क्वालिटी में आपको जिटर देख सकता है, लेकिन अगर आप आउटडोर कंडीशन से देखो काफ़ी नीट रिजल्ट आते हैं। एंड ऑफकोर्स रेडमी का फ़ोन है, मतलब कोई भी यार एक्चुअली मोस्टली अभी आज के टाइम पर जितने फ़ोन आते हैं सब ब्यूटिफिकेशन ऐड कर देते हैं, तो ये भी फ़ोन थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन ऐड कर देता है। एंड आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को इसमें एंड्रॉयड 11 इंस्टॉल मिला है, बट यार मैं जब फ़ोन को परचेज करते टाइम जब चेक कर रहा था तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा था एंड्रॉयड 10 जो मुझे आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, बट इसके अंदर मेरे को मिला है एंड्रॉयड 11। सो मेरे को लग रहा है कि किसी ने अपडेट करके दिया है ऑलरेडी एंड आई डोंट नो कि क्या सीन है। ऑफकोर्स मेरे को अच्छा लगा कि अपडेट करके मिला है, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी एक और अपडेट आ चुका है। सो गाइस, मैंने अपडेट करने के बाद देखा कि मुझे अपडेट जो है वो सिक्योरिटी पैच आया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, जो मतलब 2 से 3 महीने पुराना ही है। सो ठीक है यार, मतलब प्राइस के हिसाब से आई एम नॉट कंप्लेन। इसके बाद स्पीकर की बात करें तो भाई एक एवरेज से स्पीकर मिल जाता है इस प्राइस में, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते।
टिक। उसके बाद माइक्रो एसबी केबल मिलती चार्जिंग के लिए, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरी बात लगी, क्योंकि आजकल इस प्राइस में भी आपको टाइप सी केबल इजीली अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं माइक्रोमैक्स की बात करूँ, माइक्रोमैक्स का इन वन आया था, इन टू वगैरह जो लो बजट फ़ोन थे, मतलब इसी बजट के करीबन थे कुछ, तो उनमें भी मतलब टाइप सी चार्जिंग मिल जाती थी। बट थोड़ा सा मैं रेडमी से डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें माइक्रो यूएसबी है। बाकी दिखने में तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आई वुड से, मतलब फॉर द प्राइस मेरे को जो फ्रेम एंड ऑल लगा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो गाइस, मुझे बिल्ड एंड डिज़ाइन इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और मतलब इस प्राइस में यार नहीं मिलता इतना अच्छा वेल बिल्ड फ़ोन, मतलब मेरे को वेट मैनेजमेंट एंड ऑल सब कुछ अच्छा लगा है। इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है, डिस्प्ले 720p है, जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ काइंड ऑफ 2 days की मिल जाएगी, क्योंकि इस फोन में वैसे भी कोई गेमिंग लाइक फ़ोन है नहीं है, तो आप गेम तो वैसे करोगे नहीं, तो यूट्यूब एंड ऑल देखने के लिए 2 दिन के लिए सफिशियंट चल जाएगी। एंड चार्जिंग टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो बॉक्स है उसके अंदर 10 watts का चार्जर मिलता है। एंड यार मतलब थोड़ा मतलब स्पीड ज़्यादा ही कम लगा मेरे को चार्जिंग का, क्योंकि 5000 mAh बैटरी है एंड 10 watts में थोड़ा स्लो चार्ज होता है, बट दैट्स ओके आई वुड से। एंड ओवरऑल भाई मैं बोलूँगा काफ़ी पैकेज अच्छा है फ़ोन का। बट अगर आप थोड़ा सा अगर 1-2 हज़ार रुपये प्राइस और आगे लेके जा सकते हो, तो आपको और इससे बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड आई वुड से अगर आपका यही स्ट्रिक्ट बजट है, तो उस हिसाब से यार ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा ये फ़ोन। एंड सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मतलब जो फ़ोन का बॉक्स है उसके साथ इसका कवर नहीं आता, बैक कवर एंड स्क्रीन गार्ड तो वैसे मिलते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बैक कवर एक हो सकता था, मतलब सिलिकन केस। सो वो भी आपको आफ्टर मार्केट परचेज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। सो यार बेसिकली फ़ोन काफ़ी अच्छा है, एंड मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बट जितना यूज़ किया थोड़ा सा जिटर तो है, मतलब ऐप ओपनिंग टाइम एंड ऑल थोड़ा सा हल्का सा आपको डिले लग सकता है, बट मुझे ऐसा कोई मेजर ये नहीं दिखा कि बहुत ज़्यादा एकदम फ़ोन लैग कर जा रहा है। एंड यार थोड़ा बहुत तो अभी इस प्राइस में आप कंसिडर कर ही सकते हो। तो यार यही था फ़ोन, एंड काफ़ी अच्छा कलर आया फ़ोन का मैं बोलूँगा। एंड सो गाइस, कुछ ऐसा था हमारा फ़ोन, एंड ये थी वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, एंड जो फ़ोन की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।